कि अगर कोई बच्चा हाई स्कूल में है और आगे चल के आईआईटी की तैयारी करना चाहता है, आईआईटी करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे क्या आईआईटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? फिर इसके बाद जब सेकेंड अटेम्प्ट में फिर मैंने फॉर्म फिल किया, मेरे जो रिजल्ट थे वो सबसे अच्छा मेरा बेस्ट निकला। जो मेरी रैंक थी वो, जहाँ की कैटेगरी रैंक की बात करें तो वो रैंक थी 550 रैंक थी। दोस्तों अगर भारत की टॉप परीक्षाओं की बात करें तो इसमें यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, आईआईटी जेई और नीट की परीक्षा शामिल है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपने दम पे अपनी मेहनत करके इन्होंने आईआईटी में सिलेक्शन प्राप्त की थी और इस समय ये तेलंगाना वारंगल एनआईटी से आईआईटी कर रहे हैं। ये हैं विशाल वर्मा जी, जो अयोध्या जिले के तारुण क्षेत्र के भवानीपुर गाँव से बिलोंग करते हैं। आइए जानते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी और इनसे पूछते हैं आईआईटी से जुड़े हुए कुछ सवाल। सबसे पहले विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सर जी। बहुत सारे प्रश्न विशाल जुड़े होते हैं बच्चों के आईआईटी से रिलेटेड, तो आज कोशिश की जाएगी कि हम सभी उन प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, तो इस पहला प्रश्न ये है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आईआईटी है क्या, इसके बारे में बताइए। जो जब हम आईआईटी की बात करते हैं तो आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बोलते हैं। ये इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में माना जाता है और यहाँ से एक क्वालिटी इंजीनियर तैयार होते हैं जो कि बाद में जाकर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक में जाकर सेलेक्ट होते हैं, वहाँ काम करते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे ये विशाल कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हाई स्कूल में रहते हैं तो वो चाहते हैं आईआईटी करना, लेकिन जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं उनसे दिक्कतें हो जाती हैं। तो प्रश्न ये है कि अगर कोई बच्चा हाई स्कूल में है और आगे चल के आईआईटी की तैयारी करना चाहता है, आईआईटी करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा? सबसे पहले तो 11th में एडमिशन ले, फिर इसके बाद वो 11th से ही आईआईटी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे, जिससे उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा 11th और 12th में। फिर क्योंकि आईआईटी का सिलेबस भी बहुत लार्ज होता है तो इससे उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा और जिससे वो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा और वो जिससे वो अच्छी रैंक मिलेगी आईआईटी में। किसी भी एग्जाम को फॉर्म जब हम लोग डालते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन बहुत मायने रखती है, तो अगला प्रश्न ये है कि आईआईटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पहले तो आईआईटी की क्वालिफिकेशन के लिए 12th में 75% कंपल्सरी होते हैं और फिर इसके बाद आईआईटी के सिर्फ दो ही अटैम्प्ट मिलते हैं, एक 12th में, एक 12th के बाद हम एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बट जहाँ तक हम आईआईटी की बात करते हैं तो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए हमें दो एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जेई मेंस और एडवांस। मेंस में हम हर साल दो अटैम्प्ट मिलते हैं, फिर मेंस क्लियर करने के बाद हम एडवांस का एग्ज़ाम देते हैं। अगर ट्रेड की बात की जाए तो लोग जब आईआईटी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता है कि कौन से ट्रेड से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो ये बताइए कि इस समय कौन सा ट्रेड बेहतर चल रहा है? जहाँ तक ट्रेड की बात की जाए, अगर हम पैशन अपना फॉलो करें तो हमें अपने पैशन के हिसाब से चलना होता है। बट अगर हमें बेस्ट ट्रेड की बात की जाए तो इस टाइम इंडिया में सबसे अच्छी ब्रांच जो मानी जाती है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि इसकी डिमांड ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा है और जितने भी कॉलेजेस हैं इंडिया में, आईआईटी हो चाहे एनआईटी हो, उसमें जो प्लेसमेंट देखा जाता है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है अदर ब्रांच के कंपैरिजन में। तो विशाल जी, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि वो लोग जानना चाहते हैं कि आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है, तो आप सभी देखने वाले को ये बताइए कि आपने आईआईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे किया और इसके पीछे क्या कहानी है? पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं इस टाइम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से एनआईटी वारंगल से बीटेक कर रहा हूँ। मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है और जहाँ तक मेरी जर्नी की बात करें तो यहाँ से कोई किसी को बिलीव नहीं होता है कि आईआईटी में एडमिशन होगा, क्योंकि बच्चों पे इतना फोर्स बना देते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। बट अगर खुद पे बिलीव हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने 12th से मैंने अच्छे से, मुझे लगा कि हाँ मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है, इसलिए 12th मैंने अच्छे से पढ़ी। फिर इसके बाद मैंने 12th में जब मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया और मैंने जनवरी में जब पहला अटैम्प्ट दिया तो मेरा जो मार्क्स आया बहुत कम थे। फिर इसके बाद लेकिन मुझे लगा एक बार कि हाँ मैं आईआईटी कर सकता हूँ, फिर अच्छे कॉलेज मुझे मिल सकते हैं एनआईटी कॉलेज। तो फिर इसके बाद मैंने फिर सेकेंड अटैम्प्ट दिया 12th में ही, उस टाइम मेरे सिर्फ मार्क्स 1% कम थे कट ऑफ से। फिर इसके बाद मैंने कानपुर जाके प्रिपरेशन किया एक साल अच्छे से। फिर जब जनवरी अटैम्प्ट आया, जनवरी अटैम्प्ट मैंने दिया, फिर उसमें मार्क्स मेरे बहुत कम आए थे, 76% जो कि बहुत कम माना जाता है, सिर्फ ओनली कट ऑफ क्लियर था बस।
इसके बाद फिर इस टाइम पे सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फैमिली अपने बच्चों को सपोर्ट करे, जो कि मेरी फैमिली ने बहुत अच्छे से मेरा सपोर्ट किया। फिर इसके बाद फिर कोरोना टाइम आ गया, फिर इसके बाद सब लोग अपने घर पे आ गए, फिर बट मैंने अपना जो प्रिपरेशन थी वो अच्छे से कंटिन्यू रखा और मैंने अच्छे से जो मॉक टेस्ट दिया और कंटिन्यूस 2-3 महीने। फिर इसके बाद जब सेकेंड अटैम्प्ट में फिर मैंने फॉर्म फिल किया और मैंने एग्जामिनेशन देकर फिर मेरे जो रिजल्ट थे वो सबसे अच्छा मेरा बेस्ट निकला। जो मेरी रैंक थी वो जो मेंस एग्ज़ाम में वो थी 3443 और जहाँ की कैटेगरी रैंक की बात करें तो वो रैंक थी 550 रैंक थी। और जहाँ तक परसेंटाइल की बात करें तो मेरा जो परसेंटाइल था वो था 99.7, जो कि एक बहुत अच्छा परसेंटाइल माना जाता है एक अच्छे NIT कॉलेज से आपको बीटेक करने के लिए। लास्ट में यही इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं वो एग्जामिनेशन के 2-3 महीने से पहले मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे बट उन्होंने मॉक टेस्ट सही टाइम पे नहीं दिया, इसीलिए उनके मार्क्स कम आए थे। तो इसलिए मैं यही बताना चाहूँगी कि आप मॉक टेस्ट डेली एक एटलीस्ट दें, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं और आपने अपनी गलतियों को अच्छे से सुधार सकते हैं। तो विशाल जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की सभी बच्चों से, और उम्मीद करते हैं कि आपकी स्टोरी सुन करके सभी को कॉन्फिडेंस आएगा और वो अपनी लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद सर जी।